Hi guys, welcome back to Distance Between. मैं हूँ शुभम और इस टाइम मैं हूँ साउथ इंडिया के केरला के फेमस हिल स्टेशन मुन्नार में. मुन्नार का ये टी गार्डन मेरे पीछे देख रहे होंगे और ये वही प्लेस है जहाँ पर फेमस मूवी चेन्नई एक्सप्रेस की शूटिंग हुई थी. और भी बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, साथ ही साथ बताऊंगा कि कैसे आप यहाँ पे आ सकते हैं, घूम सकते हैं, कब आना चाहिए, क्या खर्चा लगेगा, क्या आइटनरी आपके लिए होनी चाहिए. हर एक छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाएगी जिसके बाद आप आसानी से मुन्नार घूमने का प्लान बना सकते हैं. तो आइए घूमते हैं मुन्नार. और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और भी प्लेसेस के लिए. साथ ही साथ आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं. तो आइए मेरे साथ घूमिए मन्नार के खूबसूरत टी गार्डन. मुन्नार साउथ इंडिया में केरला स्टेट के कोच्ची शहर से लगभग 127 किलोमीटर की दूरी पर है और कोच्ची में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है और एर्नाकुलम टाउन और एर्नाकुलम साउथ नाम से रेलवे स्टेशन भी है. कोच्ची से मुन्नार आप बाय बस केवल 200 से 300 रुपए में पहुंच सकते हैं. हालांकि मैं कार से मुन्नार जाने वाला था. मन्नार के रास्ते से एक रास्ता कटता है अथिरापल्ली वाटरफॉल के लिए जो बेहद खूबसूरत है और प्यारा है. आगे हम लोग देखेंगे ज़रूर. और अभी बीच में से एक रास्ता शॉर्टकट कटता है. आप गूगल पे सर्च करोगे इसका नाम तो मिल जाएगा मैप पर. और अभी पेट्रोल भरवा रहे हैं, डीजल भरवा रहे हैं जो भी. तो यहाँ से चलते हैं. रास्ता बहुत प्यारा है, मतलब बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, पतला सा है, लेकिन रोड बहुत अच्छी बनी हुई है. और जैसा कि कोकोनट ट्रीज़ दिखते हैं केरला में हर तरफ, वो यहाँ पर भी दिख रहे हैं. तो बहुत प्यारा सा मौसम है, प्यारे से मौसम में प्यारा सा रास्ता चल रहा है. पहुँचते हैं अथिरापल्ली वाटरफॉल. नाम हो सकता है प्रोनंसिएशन में कुछ गड़बड़ हो, बट पहुँचते हैं फिर प्रॉपर देखते हैं. रास्ते में अभी यहाँ पर रबर के पेड़ आपको काफ़ी सारे दिखेंगे जब आप वाटरफॉल की तरफ बढ़ेंगे. और अभी धीरे धीरे कोकोनट ट्रीज वगैरह का आ गया. बनाना ट्रीज हैं जो भी केरला के फेमस हैं. ये सब ट्रीज आपको बहुत सारे इस रास्ते पर दिखेंगे. रास्ता बहुत ग्रीन सा खूबसूरत सा है. वो देखो आप, ये पिकॉक आई थिंक, नहीं ये पिकॉक नहीं है. अथिरापल्ली वाटरफॉल मेन कोच्ची से लगभग 73 किलोमीटर की दूरी पर है और इस रूट पर और इस वाटरफॉल के आगे तक कई सारी प्लेसेस पड़ती हैं. अभी मैं तीन वर्ड बोलने वाला हूँ, पहले ही बोल दे रहा हूँ क्योंकि याद किया है. पहली चीज है ये वेट्टिलपारा ब्रिज है. दूसरा है ये चल्लीकुडी रिवर है और जहाँ हम जा रहे हैं वो है अथिरापल्ली वाटरफॉल. तो मतलब नाम में ऊपर नीचे हो सकता है भाई, एडजस्ट कर लेना. हम नॉर्थ इंडियन वाले मतलब बोल नहीं पाते हैं और याद भी करना थोड़ा मुश्किल होता है, उसके लिए सॉरी. बाय द वे बहुत अच्छा सा ये मौसम है और बहुत ही अच्छी ये चल्लकुटी रिवर है और बहुत तेज फ्लो है इस टाइम यहाँ पर. यहाँ पर आप फोटोज़ वगैरह खूब सारी क्लिक करवा सकते हैं. और जब आप इधर आते हैं, इधर बहुत कम लोग आते हैं, मतलब ये ऑफ बीट प्लेस है. और हाँ, वाटरफॉल जो है वहाँ पर हुई थी बाहुबली वाला, वो जो वाटरफॉल है ना शुरू में, वहीं पे मैं आपको ले जाऊँगा. तो दिखाऊंगा एक्चुअल कैसा है, आपको देख के पता चलेगा. वाटरफॉल तक पहुँचने के लिए आपको एंट्री टिकट लेना पड़ेगा और एंट्री टिकट है 50 रुपये पर पर्सन का. अगर आपके पास वीडियो कैमरा है तो 400 रुपये उसके लिए देने पड़ेगा. वाटरफॉल दूर से ही दिख गया था जिसमें बहुत ज्यादा फ्लो था, लेकिन इसके थोड़ा आगे ही वाटरफॉल का एंट्री गेट है जिसके बाद आपको लगभग आधा किलोमीटर से ज्यादा नीचे की तरफ उतरना होता है. वाटरफॉल पर मैं आ चुका हूँ और ये जो मैं भीगा हुआ हूँ ये बारिश की वजह से नहीं, ये बारिश का थोड़ा सा पार्ट था इसमें, ज्यादा इस वाटरफॉल का था जिसकी फुहारें बहुत तेज आती हैं और पूरा भिगो डाली है मुझको. तो यहाँ पर इसीलिए मैंने बोला अम्ब्रेला जरूर लेके आए. और ये जो आप देख रहे हैं यही पर बाहुबली मूवी का जो फर्स्ट सीन था वाटरफॉल का, वो शूट हुआ था. और बाहुबली के मैं रियल चैलेंज करूंगा कि बाइक चढ़ के दिखाऊं, तो
तो मतलब अलग ही है, जो मूवी में दिखा उससे भी बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे सामने आपको अपनी आंखों से देखने को मिलेगा, क्योंकि मानसून है तो ये फ्लो जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ज़रूर यहाँ पर आए, केरला की मस्त विजिट प्लेस है और कह सकते हैं अभी भी ये ऑफ बीट है जो हमारे नॉर्थ इंडियन है उनके लिए। मानसून की वजह से इसमें अभी ज्यादा फ्लो था, हालांकि नॉर्मल टाइम में भी यहाँ फ्लो तो रहता ही है। इस वाटरफॉल से हम डायरेक्ट मुन्नार की तरफ बढ़े और कोच्ची से मुन्नार के लास्ट के 40 किलोमीटर के रास्ते घुमावदार हैं, जिसमें आपको कई वाटरफॉल देखने को मिलते हैं। मन्नार जाने के रास्ते में गाड़ी रुकने का नाम नहीं ले रही है, बार बार रुक रहे हैं। सुबह 9 बजे के निकले थे, अभी 4 बज रहा है शाम को, और ये एक और वाटरफॉल है जो बहुत ऊंचा सा आ रहा है और कैमरे की ब्यूटी का पता नहीं, लेकिन आंखों की जो मतलब आंखों से देखने में जो ब्यूटी दिख रही है वो अलग है, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत बढ़िया बढ़िया पिक्चर आपकी यहाँ पर आएगी, यहाँ पर ज़रूर रुकना आप मन्नार जाते समय। रास्ते में अभी रुका हूँ मैं और यहाँ पर भाई मैं तो जितनी बार आता हूँ कोच्ची में या फिर केरला साइड में या फिर साउथ इंडिया में, तो ये नारियल पानी पीना नहीं भूलता हूँ यहाँ पे। हालांकि थोड़ा कॉस्टली है, ये 50 रुपीज़ का है, नहीं तो और बहुत सस्ता सस्ता मिलता है। और यहाँ पे अगर आप ये देखोगे, ये रहा, आपने अगर मेरी थाईलैंड की वीडियो देखी होगी तो उसमें आपको मिलेगा ये रेंगुटा, यहाँ पे बोलते हैं, वहाँ पे पता नहीं क्या बोलते थे, भूल गया मैं। और लीची जैसा होता है अंदर से और वैसे ही मीठा भी होता है, तो ट्राई करना ये भी अगर आप आते हो तो। बाहर से अजीब लग रहा होगा पर खाओगे तो लीची जैसा टेस्ट लगेगा। बाय द वे आपके लिए ये तो बेस्ट ऑप्शन है ही। मेरा ख़त्म हो गया पानी, कम था हमारे पुणे में पानी ज़्यादा मिलता है। और कार के थोड़ा और आगे बढ़ते ही एक और वाटरफॉल देखने को मिला। अगेन एक और वाटरफॉल पे मैं आ चुका हूँ और ये है वलारा वाटरफॉल, चियापारा वाटरफॉल जो कि इसके पहले था। थोड़ा सा उससे ज़रा सा आगे ही 100-200 मीटर आगे बढ़ते ही आपको ये वाटरफॉल दिख जाएगा। और अब यहाँ पे पूरा फॉग हो रहा है और इधर आपको ये वाटरफॉल दिखेगा। ऐसे वाटरफॉल मैं बहुत जगह गया हूँ पर ऐसे वाटरफॉल मैंने भी नहीं देखे हैं, तो ये अमेजिंग है, इसको मिस ना करें। साउथ इंडिया की जो अब अननोन अनएक्सप्लोर्ड ब्यूटी जो अभी तक मेरी भी नज़रों से छिपी हुई थी, अब वो आप सबकी नज़रों के सामने धीरे 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 खुलकर आएंगी। तो बहुत ब्यूटीफुल है और बहुत सुकून है यहाँ पर। बस से जाने में आप इन वाटरफॉल्स को मिस कर देंगे, इसलिए 3 से 4 लोग हों या कपल हों तो पैकेज प्रेफर कर सकते हैं। और ऐसे ही धुंध भरी शाम में 5 बजे हम मुन्नार पहुंच गए। तो मुन्नार में अपने होटल के रूम पे मैं आ गया हूं और ये रहा रूम, डबल बेड रूम है और नॉर्मल सा ही है। और बाकी यहाँ पे ये रहा वॉशरूम, छोटू सा है। सो ये मैंने पूरा पैकेज लिया हुआ है हॉलीडे लाइफ टूर से, पैकेज की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा जिससे आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी और रेट्स वगैरह भी मैं आगे डिस्क्लोज करूँगा इसके बारे में। हालांकि होटल लोकेशन की बात करें तो आप मुन्नार की मेन मार्केट के आसपास के 1 किलोमीटर में होटल ले सकते हैं जो कि 1,000 से 1,500 रुपए पर नाइट में मिल जाते हैं। मन्नार में आज सुबह सुबह का जो मौसम है वो खुला खुला सा है, धूप भी आ रही है हल्की हल्की, तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि बारिश होती है जनरली इस टाइम में, लेकिन मौसम खुला है तो आज घूमने में मज़ा आएगा। और अभी तुरंत बादल आ गया। बाय द वे चलते हैं अभी एक रूट पे जिस पे रोज़ गार्डन, मटापट्टू डैम और कई चीज़ें हैं, उस रूट पे हम लोग बढ़ रहे हैं और लगभग 8 किलोमीटर के इस रूट पे कई सारी चीज़ें हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, आपको भी दिखाते हैं और कवर करते हैं। आज हम बढ़े यहाँ के मट्टूपट्टी डैम के रूट पर जिस पर आपको कई प्लेसेस देखने को मिलती है। इस रूट पर आते हैं टाटा टी के टी गार्डन्स जो अब आपको इस रूट पर बस दिखते ही रहते हैं।
मन्नार, जिसे आप सभी जानते हैं टी गार्डन्स के लिए, और मेरे आंखों के सामने इस टाइम पूरा टी गार्डन भरा पड़ा है। पूरा दूर दूर तक यहाँ पे टी गार्डन है, और इस पॉइंट को बोलते हैं फोटो पॉइंट। ऑब्वियसली यहाँ पर आएंगे तो फोटो ही खिंचवाएंगे खूब सारी। और खास बात यह है कि आपने रोहित शेट्टी की मूवी चेन्नई एक्सप्रेस देखी होगी, और चेन्नई एक्सप्रेस में एक सीन था कश्मीर टू कन्याकुमारी वाला सॉन्ग, और उसमें मन्नार का शॉट था। तो वो जो रोड आप देख रहे हैं वहाँ पे, वो शाहरुख खान दीपिका पादुकोण के साथ उसी रोड पे चलते हुए गाना गाता है कश्मीर टू मैं कन्याकुमारी। तो वैसे ही यहाँ पे आप देखोगे तो वो इमेजिनेशनल होगा यहाँ पर, और मज़ा आएगा यार, मस्त। यहाँ पे फोटोज़ खूब सारी क्लिक करवा सकते हो, ग्रीनरी भरी पड़ी है, और कहते हैं कि पूरे सालों साल इसी तरह ये ग्रीन रहता है। और मैं बाकी टी गार्डन्स भी बहुत सारे गया हूँ, लेकिन इसकी ब्यूटी अलग है सच में। इन टी गार्डन्स के अंदर आप दार्जिलिंग के टी गार्डन्स की तरह पिक्चर्स तो क्लिक नहीं करवा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ कई टी गार्डन्स हैं जहाँ आप अंदर जाकर कुछ पिक्चर्स तो क्लिक जरूर करवा सकते हैं। वैसे प्लेसेस तो हम कल थोड़ी घूम चुके हैं, तो पहले चलते हैं मुन्नार की मार्केट में। हमने शॉपिंग के लिए चुना मुन्नार का मेन मार्केट, और अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि मुन्नार के स्पाइसेस, चॉकलेट्स और बनाना फ्लेक्स बहुत फेमस हैं, और आप इन्हें अपने साथ जरूर ले जाएं। मस्त खुशबू आ रही है इलायची की, बिल्कुल प्योर इलायची। हमारे यहाँ वहाँ आते आते शायद सूख जाती है, फिर इसे खा के देखते हैं। मैं भी थोड़ा सा खा के देखता हूँ। नॉर्मली जब स्पाइस गार्डन में जाते हैं तो आपको बोल दिया जाता है आप यहीं से शॉपिंग कर लो, वहाँ की प्राइसेस बहुत हाई होती है, तो इट्स बेटर कि आप लोकल मार्केट में आए और वहाँ से बाय करें, सो दैट आपको थोड़ी ऑथेंटिक चीज़ भी मिले और प्राइस भी रीजनेबल मिले। एंड यहाँ पर मैंने ये भी लिया है, और ये मसाले 150 रुपीज़ में आपको मिक्स मिल जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप इतने में भी काम कर सकते हैं। 20 ग्राम 20 ग्राम इसमें है, आठ आइटम है। तेज पत्ता है, लौंग है, इलायची है, दालचीनी है, और भी सौंफ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर केले के चिप्स बहुत फेमस हैं, और ये यहाँ पर मिल रहा है कितने के हैं, 360 रुपीज़ के जी, और लाइव यहाँ पर निकलता रहेगा, आपको मिलेगा। बहुत जगह ऐसे यहाँ पर है जहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। तो इतनी सारी शॉपिंग हमने कर ली है, और यहाँ पे बैग भी जो दिया गया है, यहाँ पे प्लास्टिक अलाउ नहीं है, तो ये कपड़े का बैग में है यहाँ पर। और मसाले लिए हैं हमने, जेम्स लिया है मैंने, और हल्दी लिया है मुँह पे लगाने के लिए इसके लिए, एंड हाँ पुष्पा या क्या है, पुष्पा मूवी आप बताओ ये क्या है, लाल चंदन। तो ये सारी चीज़ें लिए हैं, ये 40 रुपीज़ की एक बार मिली है। चॉकलेट्स के दीवाने हैं, तो यहाँ से आप किलो के भाव पर हर तरह की वैरायटी के चॉकलेट्स ले सकते हैं। मट्टुपेट्टी डैम के रास्ते में सबसे पहले जो प्लेस पड़ती है वो है ये केरला फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का फॉरिकल्चर सेंटर। और 2009 में भी इसकी प्राइस 50 रुपीस थी, 2019 में जब मैं आई थी, और अभी भी इसकी प्राइस 50। और विजिटिंग टाइमिंग इसकी 8 AM to 6 PM है, और देखते हैं अंदर से कैसा है क्योंकि बहुत फेमस है। फ्लोरिकल्चर सेंटर में आते ही आप कई तरह के खूबसूरत फ्लावर्स के बीच खुद को पाएंगे, जो बहुत ज्यादा बड़े एरिया में तो नहीं है, लेकिन फोटोज काफी सारी क्लिक करवाई जा सकती है। मन्नार के फ्लोरिकल्चर गार्डन में जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको खूब सारे फ्लावर देखने को मिलेंगे। इधर आप देखोगे ये ऑरेंज सा प्यारा प्यारा सा फ्लावर है, और इधर ये पिंक सा है, और नीचे अगर आप यहाँ पे देखोगे ढेरों फ्लावर यहाँ पे खिले हुए दिखाई देंगे। लेकिन एक बात जो मुझे अभी पता चली है वो इनके थ्रू आप बताएं। एक्चुअली जब आप दिसंबर में आएंगे तो ये गार्डन आपको और ज़्यादा सुंदर दिखाई देगा, क्योंकि मानसून सीजन के बाद में सारे जो फ्लावर्स है वो ग्रो हो चुके होते हैं, और गार्डन पूरा ग्रीन दिखाई देता है। नहीं, ग्रीन तो मुझे वैसे अभी भी दिखाई दे रहा है, लेकिन फ्लावर आई थिंक बहुत सारे पेड़ों में नहीं दिख रहे हैं, पर कुछ जगह हैं जहाँ पे इस तरह के ये आपको पूरे दिखेंगे। तो वैसे तो
आने को आप किसी भी टाइम में यहाँ पे आएँ, अच्छा लगेगा और फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाएंगे तो और भी प्यारा लगेगा। बाकी फ्लावर नहीं है तो ऐसे कपड़े पहन के आएँ। फ्लोरिकल्चर गार्डन। और यहाँ आप ऑयल और स्पाइसेस भी बाई कर सकते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं एलिफेंट पार्क में, जो कि आपकी टाटा टी गार्डन के बाद, टी गार्डन के बाद ये पड़ता है। और ये रही वो एलिफेंट, इनकी आप राइड कर सकते हैं, फीडिंग करवा सकते हैं, बाथ एंड शावर ले सकते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हो सकती है। बाकी मैं रेट्स वगैरह देखता हूँ क्या है। हाथी बड़े प्यारे प्यारे से हैं, मोटू मोटू से हाथी। हाथी 700 में क्या क्या इंक्लूड रहेगा? हाथी सवारी होती है, उसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, कितनी देर की? 10 से 15 मिनट तक सवारी, 10-15 मिनट के प्रोग्राम है। और ये बात शॉवरिंग, बात शॉवर 2000 रुपए लेते हैं, 1 घंटे के प्रोग्राम है। चेंजिंग ड्रेसेस वगैरह लाना पड़ेगा। अच्छा, 1 घंटे के प्रोग्राम है। अच्छा, लेकिन इसके बाद जो टी गार्डन्स दिखे वो बहुत खूबसूरत थे। और यहाँ पर आकर मैं असली शूटिंग पॉइंट पर पहुँचा। अभी पीछे मैं जब था टाटा टी गार्डन के पास, तो वहाँ पर फोटो पॉइंट भी जिसको कहते हैं, तो वहाँ पर मैंने बोला था कि वो चेन्नई एक्सप्रेस मूवी की शूटिंग हुई थी, क्योंकि वहाँ पे लोग आपस में बात कर रहे थे। लेकिन अभी जब मैंने यहाँ पे अपने ड्राइवर से पूछा तो वो एग्जैक्टली बताएं कि वो प्लेस ये है मडुपट्टी एरिया, और यहीं पर फैक्ट्री भी है, और यहीं पर ये पूरा टी गार्डन है। और अब आपको क्लियर दिखेगा कि यहीं पर प्रॉपर शूटिंग है, क्योंकि इसी रोड पे शाहरुख खान जीप में बैठ के कश्मीर टू कन्याकुमारी गाते हुए जा रहा था। और बहुत प्यारी सी ये लोकेशन है, मौसम शानदार हमेशा ही यहाँ पे रहता है, तो बहुत प्यारा लगेगा। पूरी टी गार्डन की दोनों तरफ आपको नीचे ऊपर, और ये बीच बीच में जो पेड़ लगे हैं ना, वो और खूबसूरत इस जगह को बना देते हैं। तो यहाँ पर आप ढेर सारी फ़ोटोज़ क्लिक करवाएं, लोग पीछे ही रुक जाते हैं फ़ोटो पॉइंट पर। यहाँ पर आप देखोगे खाली है, तो यहाँ पर आएँ और यहाँ पर रुकें और यहाँ पर ढेर सारी फ़ोटो क्लिक करवाएँ। मुन्नार की और भी कई प्लेसेस के साथ यहाँ पर घूमने का खर्चा और आइटनरी के साथ और भी बहुत सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट पार्ट जरूर देखें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।